आज हम आपको व्रत में खाए जाने वाले साबूदाने और आलू की बहुत ही चटपटी टिक्की बनाकर दिखाएंगे, और इसके साथ हम ये मूंगफली की चटनी बनाकर दिखाएंगे। ये बहुत ही कम टाइम में बहुत चटपटी नाश्ता बनके तैयार होता है, तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए हमने साबूदाना को भिगो के रख दिया था, और इसे हमने 4 घंटे के लिए भिगोया था, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब हम इसका टिक्की तैयार करेंगे, और इसके लिए हमने 2 स्वीट पोटैटो लिया है बॉयल, और 2 आलू लिया है, ये भी हमने बॉयल लिया है। तो इसे इसी में हम तोड़ देंगे अच्छी तरह से, इसमें हम इसे हाथों से अच्छी तरह से बिल्कुल तोड़ देंगे आलू को, और इसमें हम 1 स्वीट पोटैटो डालेंगे, इसे भी हम तोड़ देंगे, इसे हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें सिंघाड़े का आटा डालेंगे, ये हमारे पास सिंघाड़े का आटा है, तो इसमें हम डाल देंगे 2-4 चम्मच के करीब, ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे, 2-4 चम्मच के करीब सिंघाड़े का आटा हमने डाला है। और अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे, ये हमारा सेंधा नमक है व्रत में खाने वाला, तो इसे डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट कर, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बनते हैं, या टिक्की कह लीजिए या फिर पकौड़े, हम इसे टिक्की के शेप में बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे व्रत में बना के खा सकते हैं, और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। बहुत से लोग इसमें धनिया भी डालते हैं जो लोग व्रत में खाते हैं, और हमने इसमें धनिया नहीं डाला है, इसी तरह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो इसके साथ हम एक चटनी भी बनाएंगे मूँगफली की, तो पहले हम इसे बना लेंगे, उसके बाद हम चटनी बनाएंगे, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और इसकी हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये बहुत आसानी से बन जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी हम टिक्की तैयार करेंगे। ये देखिए सारी टिक्की को हम इसी तरह बना लेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, और बहुत आसानी से बन जाता है। टिक्की को हमने बना लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। और कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया है गैस पे, और गैस की फ्लेम को स्लो करके रखा है, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक टिक्की करके इसमें डालेंगे। और इसे हम थोड़ी देर सिकने देंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। और 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाया है, अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है एक साइड से, तो दूसरे साइड भी हम इसी तरह इसे पलट देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, तो इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और ये देखिए फूल भी गया है, अंदर से बिल्कुल पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और बाकी की भी टिक्कियों को हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे गोल्डन फ्राई। आप देख सकते हैं बिल्कुल फूल सा गया है, तो इसे हम अब निकाल लेंगे। अच्छी तरह से बिल्कुल फ्राई हो चुका है, और इसमें हम बाकी की टिक्की को भी डाल देंगे। और इसे फ्राई करके भी हम इसी तरह निकाल लेंगे।
जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। अब चटनी बनाने के लिए हम भुनी हुई मूंगफली लेंगे। थोड़ी सी मूंगफली हमने लिया है और इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे। थोड़ा सा सेंधा नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये चटनी हमने पीस लिया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। चटनी हमारी रेडी है तो इसमें हम थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। नींबू के बीज को हम निकाल देंगे और ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार हो जाती है। और इधर हमारा साबूदाने का टिक्की भी तैयार है, तो आइए आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। ये हमारा व्रत में खाए जाने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। और ये हमने साबूदाने आलू की टिक्की बनाया है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है कम टाइम में और फटाफट, बहुत ही चटपटा रेसिपी है और ये बहुत जल्दी फटाफट बनने वाला रेसिपी है। आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। और इसके साथ जो हमने मूंगफली की चटनी बनाई है ये भी बहुत टेस्टी है, तो इस तरह से आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। और इसे हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है और इस चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह से अपने घर पे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।